साबुत पलट गया आज बड़ी मुश्किल से, तो एक इसके बाद हाफ फ्राई बना दिया जाएगा। चढ़ा दिया है और अब मैं चली हूँ नहाने, खाना भी मेरा बन चुका है तो मैं नहा लेती हूँ फटाफट, नहा के मैं खाना पैक कर खाना वाना खिला के तो इनका लंच लेके मैं अब निकलती हूँ 2:30 बजे। तो चले मिलते हैं दुकान पे जाके। बाइक मंगवा दी अभी घर जाने के लिए, हल्की हल्की हो रही है बारिश, भीगने का तो चांसेस है इसमें भी। मैं छाप गुड मॉर्निंग जी, नाश्ते में बन रही हैं पूरियां, तो मैं पता क्या करती हूँ पूरियों को, ये मैंने डाल दी, ये तो मैंने निकाल दिया उसमें से, ऐसे रख देती हूँ बेल के, ये 10-12 पूरियां बेल के रख दी, फिर फटाफट सिक जाती है, जल्दी भी होना अगर जल्दीबाजी में तो एकदम से हो जाती तैयार। तो तेल थोड़ा सा कम ही डाला मैंने, या फिर कड़ा हुआ तेल ना यूज़ करने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा कम डालो और फटाफट ही ख़त्म कर दो उसको, फुली नहीं है ये पूरी तेल कम होने की वजह से। तो चलिए फटाफट बनाती हूँ, नानी को नाश्ता करवाती हूँ, उसको स्कूल भेज के फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा जो मकसद था इस साइड को इसको करने का, लंगूर वहाँ भी झूल रहा था अभी बड़े मज़े से, उसको दिखाना था, सॉरी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद लंगूर लंगूर जो सामने बैठा हुआ है पेड़ पे और संग जलता हुआ यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छे से जल रहा है। और मौसम ख़राब बना हुआ है आज भी, बारिश तो नहीं हुई है रात अभी तक, अरे गीला है काफ़ी, मतलब अभी तक बारिश हुई है शायद हल्की फुल्की से, तो मेरे को ध्यान नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया बाहर की तरफ, तो अभी बारिश रुकी हुई है और कोहरा बिल्कुल छाया हुआ है सामने से, घनघोर कोहरा रखा है अभी समय, टाइम हो रहे हैं समय 9:15 हो रहे हैं। तो ये लंगूर सामने से ऐसे बैठा है, लंगूर है कि बंदर है, ये बंदर है यार, ये तो ये देखो बंदर बैठा हुआ है सामने से, तो लंगूर और बंदरों का मतलब सुबह से यहाँ पर छा जाता है आतंक। अच्छा जाने लगे आप, अच्छा तो आमा चल पड़े हैं हल्द्वानी को, 9 बजे इकट्ठा होना नीचे आप लोगों ने, अच्छा तो आमा हल्द्वानी जा रहे हैं वहाँ पे, किसी को है फोन आ गया, अच्छा है किसी को मिलने जा रहे हैं हम लोग हल्द्वानी, किसी का एक्सीडेंट हुआ उनको मिलने, सूट अच्छा लग रहा है आपका, अच्छा लग। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और ये रहा मेरा नाश्ते का, मैंने ऑमलेट बनाना है, तो लहसुन हरी मिर्च और प्याज को मैंने काट के रख दिया ऑमलेट के लिए, और ये चाय खोल रही है बड़ी मस्त, मैंने थोड़ी सी पूरियाँ और थोड़ी सी चपातियाँ बनाई हैं हम दोनों के लिए, मैंने चपातियाँ भी बनाई है थोड़ी सी, बाकी लोगों को पूरियाँ खिला दी थी। तो मैं सुबह सुबह अपना फेस क्यों नहीं दिखाती, मेरा फेस ना स्वेल हुआ होता सुबह सुबह, तो मेरी सिस्टर का फोन आया था कल परसों की सुबह सुबह, अपना फेस इतना स्वेल हो रहा तुम्हारा, तुम बीमार लग रही हो, ये है वो है करके, तो मैंने जो थोड़ा बहुत दिखाती थी वो भी मैंने बंद कर दिया है। तो थोड़ी देर बाद में 11-12 बजे जब मेरा फेस नॉर्मल हो जाता फिर उसके बाद ही मैं आती हूँ कैमरे के सामने। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों ये मेरा ऑमलेट हो रहा है तैयार, आपको हाफ फ्राई भी दे दूँ थोड़ा सा, एक हाफ फ्राई और एक ऑमलेट, हाफ ऑमलेट, ये दो अंडे का बनाया ना, मैं आधा खाऊंगी पूरा नहीं खाऊंगी, मैं पूरा नहीं खाती हूँ, नहीं डाला शुगर फ्री, नहीं डाला अभी मेरे इसमें जैगरी पाउडर डाल दिया मैंने, हाँ डाल दिया वो तो। चलो इसको बना देती हूँ फटाफट, फिर हाफ फ्राई बनाती हूँ उसके बाद। तो फ्रेंड्स आज भुजिया बनते से बनते बच गए, तो मैं भुजिया बना देती हूँ हमेशा, तो ये साबुत पलट गया है आज बड़ी मुश्किल से, तो एक इसके बाद हाफ फ्राई बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स दिन के 12:30 बजे फिर से बारिश स्टार्ट होगी, मुझे एक पक्षी नज़र आया सामने, कहाँ गया वो देखो, सुंदर सा ब्लू कलर का दिख नहीं रहा है ये वाला, 12:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी और बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे पता क्या मुझे लग रहा है टाइम एक होता ना, टाइम सेट हो जाता है कितने बजे बारिश होनी है तो होनी है, तो उस टाइप का कुछ बना हुआ है, तो मैं 1 बजे तक मुझे लग रहा तेज़ी हो जाएगी फिर ये बारिश, अभी हल्की हल्की हो रही है, धीरे धीरे तेज़ होने लगी है बारिश, दिख नहीं रही है मगर। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी बेडशीट, रजाई कवर और एक ब्लैंकेट थी वो सब धो धा के नई बेडशीट लगा दी है, नया कवर चढ़ा दिया है और अब मैं चली हूँ नहाने, खाना भी मेरा बन चुका है तो मैं नहा लेती हूँ फटाफट, नहा के मैं खाना पैक करके निकलती हूँ दुकान की तरफ। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो दिन के ना 2:30 बज रहे हैं, आज 28 तारीख है, 28 जुलाई, और मैं निकल पड़ी हूँ दुकान की तरफ। मौसम देखिए साफ हो रहा है अभी, अच्छा हो रहा मौसम, मैंने कपड़े धोके ऐसे डाले हुए यहाँ पे अंदर, दिखने नहीं इस तरह से डाल रखे मैंने, क्योंकि बाहर डालूंगी तो अभी फिर उठाने के लिए कोई है नहीं, आमा है नहीं घर पे, सबको पता ही है, सुबह मैंने दिखा दिया आमा को बाहर जाते हुए, तो उसमें बुबू खाना वाना खिला के तो इनका लंच लेके मैं अब निकलती हूँ 2:30 बजे। तो चले मिलते हैं दुकान पे जाके। तो फ्रेंड्स आज तो बारिश हुई नहीं, बहुत कमी हुई थी बारिश, थोड़ी सी बूंदाबांदी टाइप हुई थी, उसके बाद मौसम खुल गया था, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और मेरी सांस थोड़ी सी डर गई, मैं फूलने लगी, मेरे पीछे से स्कूटर इतने जल्दी में तेज़ में ले गया वो आवाज़ करते हुए, तो छोटे छोटे बच्चे देखे ग्राउंड में फुटबॉल की तैयारी करते हुए, तो आजकल फुटबॉल मैच चल रहे हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से। तो चलिए मैं चलती हूँ दुकान की तरफ टाइम। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट में, तो मार्केट का नज़ारा कुछ इस तरह का है इस समय, दिन के बज रहे हैं अभी 3:15 बजने में, तो ये देखिए अभी सुनसान सी मार्केट बहुत कम, और कल सैटरडे भी है और मुहर्रम भी है,
तो इसलिए मुझे थोड़े बहुत से लोग दिखे तो रहे थे उधर से, उतने तो नहीं, तो पंत पार्क साइड में थोड़े बहुत से लोग नज़र आ रहे थे। तो कल से कल मुहर्रम की छुट्टी होगी और सैटरडे है कल, तो कल और परसों दो दिन की छुट्टी है। तो चलिए मैं आ चुकी हूँ दुकान पर, तो देखते हैं पतिदेव क्या कर रहे हैं। पतिदेव बिजी है फ़ोन में, मस्त। पतिदेव क्या चल रहा है? What's going on? कोई आ क्या खेल रहे हो? क्या अच्छा कैंडी क्रश खेलते रहते जब देखो। लो ना आपका खाना टेढ़ा मेढ़ा हुआ टिफिन पूरा हैराम। मैं खा के आई। तो फ्रेंड्स ये देखिए नायका से कुछ सामान मंगवाया था मैंने, अभी आधा कुछ आया है, देखते हैं अब क्या है इसके अंदर। तो उसको खोलती हूँ मैं, इसको अनबॉक्सिंग के लिए एक्चुअली मुझे कोई बंदा चाहिए था जो मेरा कैमरा पकड़े, तो मेरे पास कोई बंदा है नहीं, तो मैं पहले पूरा खुद अनबॉक्सिंग करके नहीं, आप खा लो। तो इनको आज चपातियाँ खानी थी तो इसलिए मैं लेट भी हो गई, तो उनके लिए चपातियाँ लेके आई हूँ मैं। तो सुबह की दो पूरियाँ बची थी वो भी रख दी मैंने, और बाकी चपातियाँ और ये भुजिया बनाई अंडे की, अंडा भुर्जी विद हस्बैंड। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग खुद ही कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको खोलने के बाद क्या है इसके अंदर। इसके बाद निकला है ये, तो मैंने बड़ी तमीज़ से काटा है जिसको, वरना ऐसे नोच देते ना इसको बड़ी बुरी तरह से। तो चलिए मैं यहाँ से आगे को भी दिखाती हूँ, उसको काट के अच्छे से खोल के, ऐसा लगा कोई फ़ोन आया हुआ इसके अंदर, पर फ़ोन नहीं है, फ़ोन मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। तो देखते हैं, अरे उल्टा खोल के मैंने, उल्टा खोल के क्या है, हे भगवान, एक लिपस्टिक, इतना बड़ा पैकिंग में एक लिपस्टिक आई है बस। तो फ्रेंड्स मुझे लगा लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक भी नहीं है एक्चुअली, ये फिक्सर है, तो इतना सा फिक्सर है मुझे लगा। पहले तो मेरे पास बड़ा था वो जो मैक का था, किसका था वो, ये पता नहीं कौन किसका फिक्सर है, कौन सा ब्रांड है पता नहीं, दावर का। तो ये फिक्सर है, ये तो छोटा सा, बाप रे अब फिक्सर आया सिर्फ, बाकी सामान पता नहीं कब आएगा। तो हम लोग यहाँ पे गप्पे मारते हुए बैठे हुए, आज ये लोग बहुत दिनों के बाद वापस आए हुए, बहुत दिनों से गायब थे ये लोग, तो इन्होंने मुंडी झुका दिया सबने। नहीं नहीं आप तो ऐसे नहीं थे, काम करा हुआ लड़का है बोला, तो भाई लोग आ गए मैच देख के। अरे नहीं यार, शाम के 5 बज रहे हैं, मेरा मूड बन रहा है मैं एक वॉक लेके आती हूँ, क्योंकि आज वो दोनों गए थे मैच देखने, ये लोग मैच देख के लौट आए हैं वापस। तो चलिए चलते हैं ठंडी सड़क और एक वॉक लेके आते हैं बढ़िया सी, मैंने बहुत दिनों से वॉक करी भी नहीं है इसमें इन दिनों। ये है मार्केट का हाल चाल। तो फ्रेंड्स शाम के बज रहे 6:15 और खूब कोहरा, देखिए घना घना सा कोहरा आ गया यहाँ पे, मस्त कोहरा। तो शाम को लगता बारिश हो गया, दिन में तो बारिश हो नहीं पाई थी, हल्की फुल्की सी छींटे पड़ी थी, उसके बाद तो मौसम खुल गया था, अभी हो रहा है फिर कोहरा, एक धुंद से आना एक धुंध में जाना वाला टाइप कोहरा हो रहा है। ये रील बनने वाला हो रहा है बट अभी नहीं बनाएंगे कुछ भी हम। तो मार्केट तो खाली लग रही है, कोई भी नहीं है मार्केट में, तो सुनसानी छाई हुई। और मैं आज ना वॉक पे भी नहीं गई, पता मैं जा रही थी ठंडी रोड की तरफ वॉक पे, तो भाभी लोगों ने बोला कि वहाँ पे पत्थर गिर रहे तो वॉक पे मत जाओ, फिर मैं नहीं गई वॉक पे। मनु तो छुपता हुआ, भाभी चली गई शायद घर, भाभी गई, मनु छुप जाता मुझे देखते ही, पहले देखो मनु अंदर भाग जाता है मेरे को देखते ही, ऐसे भाग जाता मनु, भाभी ने सिखा रखा कि मेरे को देखते पीट कर देता उसे। तो देखिए कोहरा फील्ड में, 6:15 का भी इस समय ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंधेरा हो गया, जबकि 7 बजे में कल परसों दिखा रही थी बिल्कुल उजाला ही था उस समय भी। ये देखिए गुरुद्वारा यहाँ पे, और यहाँ पे है मंदिर। तो चले मैं घूम रही हूँ ऐसी बस फील्ड में पगलों की तरह। बोलो बेटा, नमस्कार, मेरा भांजा। और ये देखिए यहाँ पे अनमोल और अमित की गप्पे चल रही है, बहुत ही मस्त वाली गप्पे। और सामने से आ रही अदिति खुराना ब्लॉग्स, तो बगल में अनमोल की नेबर का और इंटरव्यू लेती हुई। हेलो हेलो अनमोल, कैसे हैं आप दोनों, आज दोनों साथ में मिल गए, सही बात है। नहीं तो हम लोग जब भी आते अनमोल यहाँ नहीं होते, आज जब आप आए थे अनमोल था क्या यहाँ पे? ओह अच्छा, तो आवाज बड़ा प्रेशर है ना अपने छोटे भाई का, ऐसा है क्या, इतने प्रेशर में क्या तू? कुछ भी नहीं, नहीं पर किसी का भी प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है, डांट खा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। हेलो इनका क्या है, घोर अपमान। तो फ्रेंड्स हम लोग अनमोल की साइड से आ गए हैं वापिस, अमित शाह ब्लॉग दे अधिन पुराना ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स दुकान बढ़ाने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है, इस साइड में तो बढ़ ही चुकी है, तो हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं बढ़ाना। तो चलो दुकान बढ़ाते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। चचा ने भी गाना बंद कर दिया, मैं चचा के गाने की वजह से थोड़ा सा ब्लॉगिंग में भी प्रॉब्लम हो जा रही थी यहाँ पे, तो अदिति वगैरह भी जा चुके हैं अभी। ये देखिए ऊपर खूबसूरत लाइटें,
जगमग जगमग लाइटें, और मौसम बारिश नहीं हो रही अभी तक तो नहीं हुई आज, मतलब बहुत ना के बराबर ही बारिश हुई है, ना मात्र की बारिश जिसको हम कहेंगे। तो चलो बढ़ा लेते हैं टाइम, इस समय हो गए 8:15। तो फ्रेंड्स रात के 8:45 तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे बारिश में भीगते हुए, और छू दू सब गीले हो जाएंगे। दुकान अब बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है शॉप हमारी तो, मगर बारिश जो ना तेज़ हो गई, अब रुकना पड़ेगा थोड़ी देर दुकान बंद करने के बाद भी। देखिए यहाँ पे तेज़ बारिश का नज़ारा, रात के 8:45 खतरनाक बारिश होती हुई। तो दुकान का जो ना वाईफाई भी मेरा बंद पड़ा हुआ, तो घर जाके एडिट होगी वीडियो मेरी। तो ये देखिए लोग दौड़ते हुए पाए जा रहे हैं अभी बारिश से, मतलब तेज़ी हो गई यार बारिश, काफ़ी वाली तेज़ भिगोने वाली बारिश हुई है, अब रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। मेरी घड़ी का टाइम बिल्कुल अलग है और मेरे मोबाइल का टाइम बिल्कुल अलग है, तो कौन सा टाइम सही होगा? नोनी मेरे मोबाइल का टाइम देखे जाता स्कूल, तो ये घड़ी मेरी लेट है, मीन्स है ना 8:45 हो रहे हैं अभी, तेज़ हो रही यार बारिश, अब तो रुकना ही पड़ेगा कुछ देर, हैं रुकना ही पड़ेगा कुछ देर, बाइक में ही भीगेंगे ऐसे तो, क्यों बहुत ही भीग जाएंगे, ऐसे भीगने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा अभी। तो फ्रेंड्स बहुत तेज़ बारिश होती हुई यार, पता नहीं कितने बजे घर पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स बारिश ना हल्की हो चुकी है, तो इन्होंने बाइक मंगवा दी अभी घर जाने के लिए, हल्की हल्की हो रही है बारिश, भीगने का तो चांसेस है इसमें भी, मैं छाता तो लेके आई हूँ, मगर बाइक पे हम छाता भी, फिर तेज़ होगी ना, हम लोग बाहर निकला है बाइक के लिए, फिर से तेज़ होगी बारिश। तो मैं पता क्या करती हूँ, आज का जो ब्लॉग है मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। तेज़ बारिश होगी वापस, चलो अंदर ही। बाइक्स आ चुकी है, तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं आज, तो ये इनकी बाइक इमरान और ये मेरी बाइक क्या नाम था मोबिन भाई नाम। तो बाइक से जाते हुए बारिश में भीगते हुए